बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, पीछनासी का ये हमारा टूर है। तो यहाँ पे हमारे जो दोस्त बने हैं, आइए हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत मुफीदफुल है, मतलब वो लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं बाइक्स पे, गाड़ी पे, तो उन्हें किस महीने में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी दोस्त हैं जी, हम इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। तो पूछते हैं इनका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और कितनी देर लगी है यहाँ पे आने में। भाई आप बताइएगा कि आपका क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन है और हम मुजफ्फराबाद से आए। माशाल्लाह भाई, आपका क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सागर प्राचा है, हम मुजफ्फराबाद की रिहायशी, यहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद खान है, मुजफ्फराबाद जलालाबाद से, यहाँ के रिहायशी हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस सबासी है, हम मुजफ्फराबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असीफ काजमी, मैं मुजफ्फराबाद से हूं। माशाल्लाह। जवाद भाई थोड़ा सा बता दें हमारे बाकी पाकिस्तानी दोस्तों के लिए कि अगर वो आना चाहता है या फॉरेन से कोई आना चाहता है पीछनासी के लिए, तो उन्हें मतलब किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस महीने में आना चाहिए बेहतर होता है सूटेबल। यहाँ पे आप आएँ चौथे माह में, पाँचवें माह में, इस तरह अगस्त के मंथ में आए, उसमें ये होता है यहाँ पे ना इतनी सर्दी होती है ना इतनी गर्मी होती है, सीज़न तकरीबन काफ़ी अच्छा होता है। अब जो सीज़न इस टाइम जा रहा है यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा सर्दी है, तो बारिश वगैरह हो जाती है, शाम के टाइम पर ठंड वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आपको जैकेट्स वगैरह ये काफ़ी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। बाकी अगर बाइक्स वगैरह आप लेके आते हैं उसमें आपको काफ़ी चीज़ें साथ लेके आनी पड़ती हैं। बाइक्स के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी बाइक जो है यहाँ पे बड़ा सूटेबल है बाइक्स के लिए। 125 सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इधर कंजप्शन तकरीबन कितनी लग जाती है पेट्रोल की मुजफ्फराबाद से लेके पिछनासी तक। बाइक्स वगैरह अगर आप 125 लेके आते हैं वो तो बहुत आपका 350-350 इस तरह खाएगा। अगर गाड़ी वगैरह आप लेके आते हैं वो आप 800-900 हज़ार, वो गाड़ी की अपनी रेंज तक है किस जो भी है। सही है। अच्छा, सबसे बड़ी अहम बात पता क्या होती है, आप किसी पॉइंट पे जाएं तो आपको उस पॉइंट का तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उस पॉइंट के लेफ्ट राइट क्या है। तो उसके बारे में पूछेंगे कि भाई आप बताइएगा हमें, कब भाई हमें बताएंगे कि इनकी जो बैक साइड पे ये जो सिलसिला है पहाड़ी सिलसिला, इसके बैक साइड पे क्या है, मतलब बड़ा तजस्सुस होता है। राइट साइड पे आ जाता है ये नारायण का खान, बिल्कुल मेरे पीछे सेंटर में आ जाता है नीलम वैली, और उस साइड चले जाओ वहाँ जाता है दीपा वैली आ जाती है, जो पाकिस्तान कश्मीर का सबसे लास्ट पॉइंट है। इस साइड भी पीछे लास्ट पॉइंट है जहाँ पे नीलम वैली है, और वो सामने वो पार वहाँ पे वो जगह है हैरी मेडो जिसको कहते हैं, जहाँ पे सर्दियों में या बारिश हो जाए तब यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम बनता है, बहुत अच्छी जगह बनती है। अच्छा पता क्या, जब मैं निकला हूँ ना तो पंजाब से, लाहौर से, तो मुझे सब दोस्तों ने बोला कि यार पीछनासी के जो पीछे एक मुकाम है ना, तो वहाँ पे ज़रूर जाना। तो वहाँ की मतलब कोई होटल वगैरह है, मतलब क्या कैंपिंग शैंपिंग की सहूलत और वो उस तरह कैंपिंग आप कर सकते हैं वहाँ पे, कैंपिंग कर सकते हैं वहाँ पे, आप कैंपिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, साथ टेंट वगैरह में आए, साथ होटल तो नहीं है यहाँ पे, बाकी खाना पकाना आपको खुद ही करना पड़ता है, बाकी अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये सबसे अहम बात पता है क्या है, ये है यहाँ का मौसम, यहाँ ये मौसम का पता नहीं चलता, जैसे भाई बता रहे हैं कि जैसे बारिश होती है तो हाँ, जैसे ही वो लोग जो कुमराट और कलाम वाली साइड पे जाते हैं तो जहाज़बाना पे वो तो ऐसे ही ना, जैसे ही वो बारिश हुई तो वहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सब दोस्तों से बात करके, इतनी मुफीद इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को देने के लिए, तो थैंक यू सो मच तमाम दोस्तों का। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखिए, आबाद रखिए, हैप्पी रखिए।